नीचे रेनबो बनता हुआ, ये आप देख पा रहे होंगे रेनबो, बहुत ही ब्यूटीफुल रेनबो। हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज हमारी राइड का है डे 7 और हम हैं चकोरी में, जो कि पताल भुवनेश्वर से 35 किलोमीटर पहले है। ये एक तिराहा है, यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं, एक पताल भुवनेश्वर को, एक जाता मुंसियारी को, एक जाता है कर्णप्रयाग को। कल हम कर्णप्रयाग से आके पताल भुवनेश्वर गए और वहाँ से वापसी आके चकोरी में स्टे किया। और बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे, और सस्ते होटल 500-600 में आपको डबल बेड मिल जाता है। हमने 900 रुपये में ट्रिपल बेड लिया है। हिमालय व्यू है सामने, बादल के चक्कर में ये नज़र नहीं आएंगे, यहाँ पे बड़े बड़े हिमालय के पहाड़ हैं सामने, बहुत ही शानदार व्यू आता है। देखा था जब बादल नहीं थे, बहुत ही शानदार था, इसीलिए हमने यहाँ पे स्टे किया। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ढीली होगी, कल रात से पेट में गड़बड़ हो रही है, आज सुबह दवाई ली है और थोड़ा हरारत भी है। हाँ, 10:30 बज चुके हैं, बस अब निकलेंगे और 95 किलोमीटर आज डिस्टेंस करना है मुंसियारी का, तो 3 घंटे में हम पहुँच जाएंगे आराम से, फिर वहाँ जाके स्टे करते हैं। और ये हमारा रूम है, बहुत ही शानदार है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस होटल का, और आप आएँ तो आप लिए यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। होटल बॉर्डर वे में हम रात को रुके, चकरौली है ना ये जगह, चकोरी में। तो भाई का होटल बहुत ही बढ़िया है, खाना भी बहुत ही एक नंबर का है, कोई भी आए गेस्ट तो यहाँ पे जरूर रुके भाई के पास। और जो लड़का है ना सर्व कर रहा, वो तो बहुत ही यार बहुत बढ़िया बंदा है, तो भाई जरूर आना है इनके होटल पे, ठीक है। चलो थैंक यू, मुझे लगा देना कहीं ऐसी जगह दिखे, और चैनल मेरा सब्सक्राइब करना, ये वीडियो आएगी तुम्हारी। ये था होटल बॉर्डर वे, और यहाँ पे रात को हमने स्टे किया था, और सामने हिमालय का व्यू है, लेकिन बादलों की वजह से आज दिखाई नहीं दिया, कल बहुत ही शानदार दिखाई दिया था। तो इनका लिंक मैं दे दूंगा, चकोरी में है लास्ट में, और ये तिराहा है, यहाँ से 3 रास्ते कटते हैं, यह जाता है पताल भुवनेश्वर, पीछे वाला जाता है कर्णप्रयाग, और ये जाता है अपना मुंसियारी को। तो हम निकल पड़े हैं मुंसियारी के लिए, समय बज गया है 11:48, बहुत लेट हो गया आज तो, नहीं तो 9 मैक्सिमम 9 बजे से पहले हम निकल जाते थे, आज 11:12 ही ऑलमोस्ट बज गए हैं, लेकिन 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, अगर रुकेंगे तो 4 घंटे मैक्सिमम। दवाई खानी पड़ी है जिसकी वजह से थोड़ा अब चल पा रहा हूँ, पेट में इन्फेक्शन हो गया मेरे, बॉडी पेन हो रही थी, और ब्रेकफास्ट भी मैंने खिचड़ी हल्की सी 2 चम्मच खिचड़ी खाई है, और साथ में डार्क चॉकलेट खाई है, बस यही खाया अभी तो। जंगलों के अंदर से होते हुए जा रहे हैं हम, और पताल भुवनेश्वर जो केव है, बहुत ही यार खतरनाक तो नहीं कहेंगे, एडवेंचरस है, कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, थोड़ा उतरने की टेक्निक होनी चाहिए, बस उतर जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं, एडवेंचर है, एक बार ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन जिनको घबराहट हो, बीपी की शिकायत हो, शुगर हो, उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, मना करते हैं जाने को, 5 साल से नीचे बच्चों को भी मना करते हैं, और बुजुर्गों को भी मना करते हैं जाने को। स्लिप देयर, ओके ओके ओके, मुंसियारी। यू हॉट, एवरीथिंग गुड? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, टेक केयर। है हिमालयन स्लिप कर गई भाई की, ये फॉरनर्स हैं, हिमालयन मैं तभी रिलाई नहीं करता इस बाइक पे, और बाई चांस ये नए होंगे, यूज टू नहीं होंगे हिमालयन को, जिस वजह से स्लिप कर गए, वहाँ पे लूज ग्रेवल थे,
काफ़ी बुजुर्ग हैं, 60-70 साल के हैं, 70 के करीब होंगे। उनमें जज्बा है लोगों में एडवेंचर का, ज़िंदगी जीने का। हमारे लोग ज़िंदगी जीते नहीं, ज़िंदगी निकालते हैं, टाइम पास करते हैं अपना। दे डोंट हैव एनी एडवेंचर इन देयर लाइफ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना खूबसूरत उत्तराखंड हो सकता है, क्योंकि पहले 3-4 दिन तो हमने इतनी भीड़ भाड़ में बाइक चलाई है तो बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। एक कल से टोटल अलग सिचुएशन हो गई है। दिस इज़ अ वेरी ऑफ बीट रूट है, ये बिल्कुल ऑफ बीट रूट है, बहुत कम लोग यहाँ पे जाते हैं। और ये ऊपर वाला साइड रोड है, ये जो नेपाल की साइड जो होते हैं ना, सबसे ऊपर वाला रूट है। मैक्सिमम नेपाल और तिब्बत का बॉर्डर लगता है मुनस्यारी को, ये ऊपर ऊपर से हम जा रहे हैं ऊपर वाले रूट से। और यहाँ से हिमालय के दर्शन भी हो जाते हैं, पंचाचौली पीक नज़र आती है, नंदा देवी नज़र आती है, पर्वत जो है। लेकिन वन वे है ये, और ट्रैफिक भी कम है, इस वजह से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बड़ा व्हीकल आ जाए तब थोड़ा साइड देने में दिक्कत होती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ऊपर क्लाइम किया था, बिल्कुल उतर गए हैं थल के लिए, बिल्कुल जो कि ये रिवर के साथ साथ चल रहे हैं। अब और ये आयरन ब्रिज जिसको क्रॉस कर रहे हैं, एक माउंटेन से अब दूसरे माउंटेन पे, अब फिर क्लाइम करेंगे। पहले नीचे उतरे थे, अब चढ़ेंगे ऊपर। काफ़ी बड़ी सिटी है ये थल। भीड़ भाड़ है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। समुद्र तल से ऊंचाई 865 मीटर, ओके। और वहाँ पर थे हम 1350 मीटर, पताल भुवनेश्वर पे 1350 से हम 865 पे आ गए हैं। तभी गर्मी लग रही है अब बहुत ज़्यादा, जबकि नीचे सिर्फ एक टी शर्ट पहनी हुई है, तब भी जैकेट में बहुत गर्मी लग रही है। शहरी का रास्ता ये सब नदी के साथ साथ जाएगा, ये जो नदी हमारे साथ चल रही है, इसका नाम नीचे आ रहा होगा डिश, आप देख सकते हैं। तो इस नदी के साथ साथ चलना है हमें लास्ट तक, मुनस्यारी तक। बहुत ही साफ सुथरी नदी है, एकदम क्रिस्टल क्लियर रिवर है। 58 रह गया। और ये आयरन ब्रिज, एक और गांव है, नाचनी गांव है। भीड़ भाड़ है यार काफ़ी यहाँ, तो अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पे। एनसीसी कैंडिडेट, एनसीसी कैडेट, नाचनी पशु पिलान, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो अभी हम पिथौरागढ़ में घूम रहे हैं, पिथौरागढ़। कभी हम इन जगहों को सुनते थे, आज उसके अंदर से निकल रहे हैं देखते हुए। चोपटा, अनदर आयरन ब्रिज हो रही है, बिल्कुल लेटेस्ट आयरन ब्रिज बना हुआ है। ये सब माना बनावट से ही दिखाई दे जाता है, कब बना है जब तक देखना लो ना। और ब्यूटीफुल रिवर डेम ही रहता है जब तक, चलेंगे अंदर। अभी हम हैं भोसखाल, सामने लिखा हुआ ग्राम पंचायत भोसखाल। और यहाँ पे लिया है हमने ब्रेक, 10-15 मिनट हो गए हमें, पता नहीं नीचे आ गए हैं, ताकि उसी वजह से गर्मी बहुत लग रही है। एक बाइक का मेरा इंजन लाइट जल रही है, और एक ये लाइट कौन सी होती है,
yet another iron bridge. एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पे वाया ब्रिज. अभी भी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर करना है मुंशहरी के लिए. लगभग 2 घंटे में हो जाएगा. मोड़ों पे तो पता नहीं चलता, एकदम ट्रैफिक आ जाता है. बार बार हॉर्न बजाना इसलिए पड़ता है. अचानक सिंगल लेन आया इसलिए दिक्कत है. डबल लेन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. यहाँ तो लोग बिना हेलमेट के घूमते हैं. दे आर यूज्ड टू राइड इन दिस कंडीशन. तो हमने बर्थी फॉल रुकना है अभी, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर है. सामने का व्यू देखिए, बहुत ही बढ़िया व्यू है. चारों तरफ बादल, आज बादल छाए हैं तो हमें माउंटेन पीक्स नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि सुबह से ही बादल छाए हुए हैं. नहीं तो कल तो इतनी बढ़िया माउंटेन पीक नज़र आ रही थी. फुल्ली फुल्ली गांव है ये. BRO ऐसे पैच भी ले आए इस रूट पे, तो हमें बहुत गंदे गंदे मिले. दफा 4 किलोमीटर. ये आरन ब्रिज, तो कुछ ही देर में आप देखेंगे अभी वाटरफॉल. काफ़ी फेमस वाटरफॉल है यहाँ मुंशियारी के रूट पे. गिर गांव 4 किलोमीटर, मुंशियारी 35, मतलब कि वही 33-34 किलोमीटर पहले है मुंशियारी से. 1 व्हीकल एट ए टाइम. तो भर्ती आने वाला है कुछ ही क्षणों में. कहीं और तो नहीं है भर्ती है क्या आगे? वाटरफॉल कहाँ होगा आगे? वाटरफॉल 1.5 किलोमीटर आगे. मैं कहा कहीं पीछे तो नहीं रह गया साइड में. वो देखिए सामने, ओए होए होए ब्यूटीफुल. उसके लिए तो शायद ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा सा. पार्वती होम स्टे. हम आए हैं भी वाटरफॉल देखने, और इसके लिए 300 मीटर का छोटा सा ट्रैक है, और यहाँ पे टिकट 20 रुपये पर पर्सन की लगती है. ये देखिए सामने, ये है भीरती वाटरफॉल, और ये ट्रैक है. ये ऊपर जा रहा ट्रैक. बाइकें हमारी नीचे होटल के पास खड़ी हैं. ट्रैक करके हम जा रहे हैं ऊपर भीरती वाटरफॉल के पास, और वहाँ पे ड्रोन उड़ाने की कोशिश करेंगे. देखते हैं अगर बढ़िया ड्रोन शॉट मिलते हैं तो आपको दिखाएंगे. 300 रुपये की खड़ी चढ़ाई करके ट्रैकिंग करके हम पहुँच गए हैं भीरती वाटरफॉल के बिल्कुल नियर. मैं दिखा देता हूँ आपको. ये देखिए ब्यूटीफुल भीरती वाटरफॉल. काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है भीरती वाटरफॉल. बारिशों में तो और भी ज़्यादा विशाल होता होगा. और ये सुरेंद्र भाई हाँ, और ये मनोज भाई आ गए, और ये हमारा वाटरफॉल. एक चीज़ बताना चाहता हूँ दर्शकों को, ये जो मचान प्लेटफॉर्म बन रहा है ये ग्लास का प्लेटफॉर्म बन रहा है. ऊपर ग्लास पूरा लगेगा, और उसके ग्लास के ऊपर आपको चलना है, और तब क्या नज़ारा होगा तब आप अमेजिंग कर सकते हैं. ये टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है.
ये पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और इसके ऊपर ग्लास लगेगा और ग्लास के ऊपर हम चलेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी तो 20 रुपये की टिकट थी, तब पता नहीं कितने की टिकट होगी, 200-400 रुपये की। लेकिन काम काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। एक बार ये पूरा तैयार हो जाएगा फिर दोबारा आएंगे हम यहाँ पे चलने के लिए, और ऊपर से बहुत बढ़िया नज़ारा आएगा ये वाटरफॉल। तो अब चलते हैं नीचे, कुछ खाते पीते हैं। और ये नीचे जा रहा है ट्रैक पूरा, और वो रहा ब्रिज जहाँ से आए हैं, वो रोड है सामने, वो जो गाड़ी जा रही है वहाँ से चल के आए यहाँ पे, वहीं से दिखाई देने लगता है वाटरफॉल। और ये ब्रिज क्रॉस करके हम आगे, ये यहाँ पे एक ढाबा है रेस्टोरेंट, वहाँ पे रुके हुए हैं। तो चे कुछ खा भी लेते हैं, उन्होंने सामान रखा हुआ है तो थोड़ा तो करना पड़ेगा। ऊपर जाके एंजॉय किया और यहाँ पे लंच किया, काफ़ी अच्छा इन्होंने खाना दिया घर जैसा। और अब यहाँ पे स्टिकर चिपका रहे हैं प्रदीप भाई। भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करो जाट ऑन व्हील्स।